हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास ना काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि मैम प्लीज़ शेयर लास्ट ईयर पीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम पेपर। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू लास्ट ईयर पीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग एग्जाम पेपर। सो जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए थे आपके 80 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन हैज़ 2 मार्क्स। बट दिस टाइम ये सुनने में आया है कि जो एग्ज़ाम होगा वो 80 की बजाय 90 नंबर्स का होगा। बट फ्रेंड्स, इट डजेंट मैटर कि कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, मैटर ये करता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में इन्होंने 2 क्वेश्चन मैथ के दिए हैं। मैथ में तो फ्रेंड्स समझ से बाहर है बिल्कुल, तो मैं इनके आंसर बता देती हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 42 ईयर्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन 3 से जो है साइंस स्टार्ट हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायवायु के माध्यम से फैलता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन ए प्लेग। नेक्स्ट है ऊष्मा परिवर्तन को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, तो फ्रेंड्स ये है कैलोरी मीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वायु की मदद से परागण को कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है एनिमोफिली, ऑप्शन डी एनिमोफिली। नेक्स्ट है थर्माकोल किससे बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है पॉलीस्टाइरीन से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विकिरण उत्ताप मापी एक साधन है जो माप सकता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर मुझे नहीं पता क्या है, काफ़ी पुराना पेपर है ये, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन 8 से जो है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट हो रही है। माई वेरी थॉट्स वर लाइक द ब्लैंक्स हसल ऑफ डेड लीव्स, सो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी घोस्टली। नेक्स्ट चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, रीडिंग ट्रैवल ब्राउचर्स वेथ्स वंस एपेटाइट फॉर ए होलीडे, सो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन बी रिमूव्स। नेक्स्ट सेलेक्ट द सब्स्टिट्यूशन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, सी डिड नॉट लाइक हर हस्बैंड बींग ऑब्सिक्यूअस टू हिज बॉस, फ्रेंड इसका आंसर है डिफाइंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन idioms और phrases, टू एक्ट हाई हैंडली, इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है फ्रेंड्स ऑप्शन सी कैबेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अभी ये क्वेश्चन 13 से जो है हिंदी स्टार्ट हो गई। ग्रामवासी शब्द में समास है, तो इसमें समास है फ्रेंड्स तत्पुरुष, ऑप्शन ए। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, तो इसमें जो इसका आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी शांत रस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये है कथन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कागज़ काला करना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बेकार की बातें लिखना, ऑप्शन डी। इसके बाद जो है हरियाणा जीके स्टार्ट हो रही है क्वेश्चन 18 से। ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आर फॉल्स अंडर अंबाला कमिश्नरी एक्सेप्ट, सो इसका आंसर रहेगा अंबाला कमिश्नरी के अंतर्गत आते हैं सिवाय करनाल जिले के। चूज द करेक्ट पेयर काबुलीबाग कैथल नवग्रह कुंड पानीपत जल महल नारनौल, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है, निम्न में से हरियाणा के राज्यपाल और उनके कार्यकाल का कौन सा युग्म गलत है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जब हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा इसमें कोई नहीं, ऑप्शन डी कोई नहीं। एक आधे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनका जो लेवल है काफ़ी हाई लगा मुझे तो। हरियाणा के निम्न मुख्यमंत्रियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कहानी लेखक विशंभरनाथ कौशिक प्राय लिखते थे? तो ये लिखते थे दुबेसी के पत्र, जो मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, ऑप्शन बी। हरियाणा के निम्न जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार उनके जनसंख्या के घटते क्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर भी फ्रेंड्स नहीं पता कौन सा है। नेक्स्ट, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1969 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में खुदाई में मिला है, हरियाणा से खुदाई में मिला है? तो ये मिला है बनावली, ऑप्शन ए। कुरु की राजधानी वर्तमान हरियाणा दिल्ली 16 महाजनपदों में से एक था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट, राज्यसभा में हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन सी 5। हरियाणा में अंबाला कैंटोनमेंट छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी फ्रेंड्स 1843 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हरियाणा के पलवल जिले की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 अगस्त 2008 को, ऑप्शन ए 15 अगस्त 2008। निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं सिवाय? तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कोटला। प्रभाकरवर्धन राजवंश का प्रथम राजा था जिसने अपनी राजधानी स्थापित की? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, थानेसर में। हरियाणा का शिला माता का मंदिर किस वास्तु शिल्पीय पैटर्न पर डिजाइन किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, राजस्थानी। किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स जींद, ऑप्शन सी जींद। नेक्स्ट इज, हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल उद्योग स्थित है? तो ये है फ्रेंड्स सोनीपत में, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा नृत्य होली त्यौहार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है लूर नृत्य, ऑप्शन बी। हरियाणा में मारा गांव जगमग गांव योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी फ्रेंड्स 1 जुलाई 2015 को, ऑप्शन ए। उसके बाद से फ्रेंड्स स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश लिटरेचर, और जो क्वेश्चन थे फ्रेंड्स वो थोड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन थे, लेवल थोड़ा सा इनका हाई था। हु अमंग 38 से स्टार्ट हो रही है इंग्लिश लिटरेचर। हु अमंग द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट फाउंडेड द आयरिश नेशनल लिटरेरी सोसाइटी? सो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन ए, WB Yeats। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ कारिल चर्चिल एक्सपोजिज द सुपरफिशियल लिब्रेशन ऑफ वीमन इन चेराइट इंग्लैंड? सो फ्रेंड्स इसका आंसर है टॉप गर्ल्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सैमुअल लैंगहोर्न क्लीमेंस रूट अंडर द सूडोनिम ऑफ? सो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मार्क ट्वेन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विलियम सिडनी पोर्टर रोट अंडर द सूडोनिम ऑफ? सो इसका आंसर है फ्रेंड्स ओ हेनरी। नेम द पोएट हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई जैक्सोनियन डेमोक्रेसी एंड लोकोफोको मूवमेंट? तो फ्रेंड्स ये थे एडगर एलन पो, ऑप्शन सी वॉल्ट विटमैन। H.W. Longfellow एंड J.R. Lowell आर कॉल्ड, तो इनको बोला जाता है फ्रेंड्स द ब्राह्मिन पोएट्स, ऑप्शन ए द ब्राह्मिन पोएट्स। नेक्स्ट है, बैरोमीटर राइजिंग अ फेमस कनेडियन नोवेल इज रिटन बाय? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन ए, मैकलिनन।
नेक्स्ट है 45 का, द एक्सटेसी ऑफ रिटा जो वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेजडी इन कैनेडियन ड्रामा इज रिटन बाई, तो इसको लिखा है फ्रेंड्स जॉर्ज रिगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो है वो है मरियन इज द प्रोटेगोनिस्ट इन, तो फ्रेंड्स ये मार्गरेट, इसका आंसर ऑप्शन सी मार्गरेट एटवुड्स द एडिबल वुमन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट जेफरी मूर्स प्रिजनर इन रेड रोज चेन वोन, सो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन बी। द कॉमनवेल्थ बुक प्राइज इन 2000। नेक्स्ट निजम इज़किल वाज द फर्स्ट इंडियन पोएट टू एक्सप्रेस अ मॉडर्न इंडिया सेंसिबिलिटी इन मॉडर्न ईडियम, हु सेड दीज वर्ड्स, तो ये फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन बी ए के रामानुजन। नेक्स्ट इज आई रिगार्ड माई सेल्फ एज एन इंडियन पोइट राइटिंग इन इंग्लिश हु सेड दीज वर्ड्स अबाउट हिज ओन पोइट्री, सो फ्रेंड्स इसका आंसर है निजम इज़किल, ऑप्शन ए निजम इज़किल। आर के नारायण क्रिएटेड द रीजन नोन एज, सो फ्रेंड्स ये आंसर ऑप्शन सी मालगुड़ी। नेक्स्ट इज सलमान रुश्दी वन द बुकर ऑफ बुकर्स अवार्ड इन 1993 सो फोर मिडनाइट चिल्ड्रन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 52 का क्वेश्चन एनाग्नोसिस मीन्स, सो एनाग्नोसिस मीन्स होता है फ्रेंड्स रिकॉग्निशन, ऑप्शन ए। आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ द कैम्ब्रिज ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स, सो फ्रेंड्स इसका आंसर श्योर नहीं हूँ मैं, बी आएगा या डी आएगा, आप चेक करके बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट इज कस्टम इज द मोस्ट सर्टेन मिस्ट्रेस ऑफ लैंग्वेज हु डिक्लेयर दिस, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन बी बेन जॉनसन। नेक्स्ट हु सेड अबाउट कोलरिज बायोग्राफी लिटरेरिया दैट इज इट इज अमंग द फ्यू विच कॉन्स्टिट्यूट द वेरी बाइबल ऑफ क्रिटिसिज्म, सो इसका आंसर है फ्रेंड्स जॉर्ज सेंसबरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज अ रिनाउंड क्रिटिक इनन्सिएटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ डीकंस्ट्रक्शन, हु इज दैट क्रिटिक, सो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन ए जैक्स डेरिडा, ऑप्शन ए जैक्स डेरिडा। नेक्स्ट हु पायनियर्ड द फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन सी एलन शोवाल्टर, ऑप्शन सी। रेटोरिक क्या होता है फ्रेंड्स द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रसोडी मीन्स फ्रेंड्स द स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन स्पेशली ऑफ मैट्रिकल स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय एन स्ट्रेस्ड सिलेबल इज, तो फ्रेंड्स इसको बोलेंगे ट्रोकी फुट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज वन स्ट्रोंग और स्ट्रेस्ड सिलेबल्स फॉलोड बाय टू वीक और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज, सो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज चौसर इन मैनी ऑफ हिज कैंटरबरी टेल्स यूज्ड, सो चौसर ने यूज किया फ्रेंड्स राइम रॉयल, ऑप्शन सी। द राइम रॉयल इज ऑल्सो नोन एज द चौसरियन स्टेंजा, राइम रॉयल को भी कोई हम चौसरियन स्टेंजा बोलते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज विच पोएटिक डिवाइस अकर्स ट्वाइस इन द फॉलोइंग लाइन द लेजी काउज रेंस मैनी ए सेंटेड फ्लावर, तो फ्रेंड्स इसमें है एसोनेंस, ऑप्शन बी एसोनेंस। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन रोल ऑन द डीप एंड डार्क ब्लू सी रोल, इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी। एलिजी इज अ फॉर्म ऑफ, सो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन बी रिफ्लेक्टिव पोएट्री। नेक्स्ट द ब्लैक डेथ वाज, सो इट्स आंसर इज द टेरिबल प्लेग ब्रिंगिंग डेथ एंड डिवास्टेशन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
उसके बाद फ्रेंड्स ये यहाँ पे क्वेश्चन 68 से स्टार्ट हो रहा है इंडियन जीके। इसमें फ्रेंड्स आपके इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिकल साइंस के जो है, और एक आधा क्वेश्चन शायद करंट का भी आ जाएगा। 10वीं G20 शिखर वार्ता 2015 का आयोजन 15 से 16 नवंबर 2015 को में हुआ था, तो ये दक्षिण कोरिया में हुआ था फ्रेंड्स, ये करंट का था उस टाइम क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी, तो ये ली गई थी लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। श्रम प्रधान तकनीक चुनी जाएगी, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन ए। हरित क्रांति का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो फ्रेंड्स ये था कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे, तो फ्रेंड्स ये थे जर्मनी के, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद से यहाँ पे ये क्वेश्चन 73 से फिर से आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो गई, और ये चलेगी क्वेश्चन 80 तक मैथ और रीजनिंग। ये तो पेपर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताना अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।